दोस्तों बीच मैदान में ही हो गई भयंकर लड़ाई। घमंडी मॉकवुड जब सरफराज खान को गालियां देते हुए बदतमीजी पर उतर आए तो इस युवा खिलाड़ी ने भी अपने बल्ले से ऐसी दहाड़ लगाई कि मॉकवुड क्या पूरे के पूरे इंग्लैंड का घमंड चकनाचूर करके रख दिया। तो आखिर क्यों बीच मैदान में ही लड़ पड़े थे वुड और सरफराज? ऐसी कौन सी गंदी हरकत कर दी मॉकवुड ने जिसके बाद तो सरफराज खान ने भी छक्के चौकों की जड़ी लगाकर इस गेंदबाज का करियर समाप्त कर दिया। उनके बीच हुए भयंकर विवाद से लेकर सरफराज के उस मुंह तोड़ जवाब का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सरफराज रोहित और गिल में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूले। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे दिन भी भारतीय बल्लेबाजों का बोलबाला था। धर्मशाला के मैदान पर रोहित और गिल ने शतक जड़कर अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाई थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सरफराज खान ने बेदर्दी से इंग्लिश गेंदबाजों की कुटाई करनी शुरू कर दी, जो इंग्लैंड के घमंडी गेंदबाजों को रास नहीं आया। फिर अपने आक्रामक अंदाज और विवादों के लिए पहचाने जाने वाले मॉकवुड ने सरफराज खान से ही बदतमीजी करते हुए खेल भावना की धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसके बाद तो सरफराज भी पीछे नहीं रहे और खेल का यह मैदान विवादों का एक ऐसा अखाड़ा बना जिसने हर किसी की रूह कपा दी। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब 76वें ओवर में गेंदबाज करने आए मॉकवुड को सरफराज ने एक के बाद एक दो चौकों लगाए और इस गेंदबाज का गुस्सा फूट पड़ा। सरफराज को गालियां देते हुए वह तो बदतमीजी पर उतर आए, आखिर वो भी क्यों ना, उनके आत्मसम्मान को सरफराज ने चोट पहुंचाई। जहां वह सरफराज को बाउंसर से आउट करना चाहते थे, वहीं सरफराज ने इनका बखूबी फायदा उठाते हुए एक के बाद एक दो चौके जड़ दिए। यह मॉकवुड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह सरफराज को गालियां देते हुए आंख दिखाने लगे। उन्हें लग रहा था कि सरफराज युवा खिलाड़ी है, वह उनसे कुछ नहीं बोलेंगे और यह नजारा देखकर रोहित भी बेहद गुस्से से नजर आए। उन्हें वुड की बदतमीजी पसंद नहीं आई, लेकिन सरफराज भी रोहित की आर्मी के सिपाही है, उन्होंने भी पीछे हटना जरूरी नहीं समझा और मॉकवुड से नजरों से नजरें मिलाते हुए उन्हें ऐसा जवाब दिया कि बात काफी बढ़ गई। दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान में काफी कहासुनी भी हो गई, माहौल काफी गर्मा गया था और दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एक दूसरे के जानी दुश्मन हो। बात बिगड़ते देखकर एम्पायर भी वहां आने लगे। हालांकि तब सरफराज अपने रास्ते निकल गए और बुड ने भी बात को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं समझा और ऐसा लगा कि मामला यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन सरफराज अपनी बेइज्जती भूले नहीं, यह खिलाड़ी तो गुस्से की आग में उबल रहा था। और फिर जब दोबारा 78वें ओवर में गेंदबाजी करने मॉकवुड आए तो एक बार फिर उन्होंने सरफराज खान को बाउंसर से धराना धमकाना चाहा, लेकिन इस बार सरफराज पूरी तरह से सिर पर कफन बांधकर तैयार खड़े थे। जैसे ही 155 किलोमीटर की रफ्तार से वह बाउंसर आई, सरफराज ने बैटमैन के अंदाज में अपना बल्ला घुमाया और अपने पुल शॉट से गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। उनका वह करारा छक्का देखकर वुड की भी आंखें फटी रह गई और सरफराज का उन्हें जवाब था कि सरफराज डरने वालों में से नहीं बल्कि डराने वालों में से है। और जिस अंदाज में उन्होंने वुड का छक्का मारकर अपनी बेइज्जती का बदला लिया, वह नजारा देखकर रोहित भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। इतने ही उसके बाद सरफराज ने न केवल पडिक्कल के 700 रनों से अधिक की साझेदारी को अंजाम दिया बल्कि अपना तूफानी अर्धशतक केवल 55 गेंद में ठोककर बता दिया कि वह इंग्लिश टीम पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे, जहां मॉकवुड की तो बोलती बंद हो गई और खिलाड़ी कुछ कहने लायक नहीं रह गया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है सरफराज यशस्वी और गिल में कौन भारत का दूसरा रोहित शर्मा बनने के काबिल है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।